हेलो, गुड इवनिंग। सेशन को सब लोग लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, सबको बता दीजिए। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, सब लोग लाइव आ जाएं जल्दी से। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है क्वेस्ट अन अकेडमी, क्वेश्चंस दैट विल हेल्प यू एस बैंक एग्जाम। सेशन स्टार्ट करने से पहले बता दें कि मेरा नाम है रवि प्रताप कर्ण। मेरे पास कुल 9 सालों का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और इससे पहले मैं कई सारे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा चुका हूँ। सबसे पहले करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल में एक लर्निंग ऐप इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है अनअकैडमी। अनअकैडमी की बात करें तो टोटल 30 से ज़्यादा कैटेगरीज पर ये अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आप हमसे किसी भी कैटेगरी में जुड़ सकते हैं। हर एक कैटेगरी के लिए यहाँ पर बेस्ट एडुकेटर अवेलेबल है। बैंक सब्सक्रिप्शन की जहाँ तक बात है तो हमारे पास जो 1 साल और 2 सालों का सब्सक्रिप्शन का फी रखा गया है उसमें कि 1 सालों के लिए टोटल 6,000 और 2 सालों के लिए 7,200 रुपये। लेकिन जैसे ही आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे RP के 10 आपको 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी 1 सालों के लिए फी थी जहां पर 6,000, वहां लाएंगे 5,400, और 2 सालों के लिए जहां पर फी थी 7,200 रुपये, वहां लाएगा 6,480। तो मेरा रेफरल कोड जरूर याद रखिएगा RP के 10। इस कोड के यूज करते ही आपको 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। सबसे पहले तो सबको बता दीजिए, क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है, सब लोग लाइव आ जाएं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विच स्टेट विल बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बनेगा? पहला बताइएगा, ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका। दुर्गेश कुमार झा जी, गुड इवनिंग। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा राज्य बनेगा? महाराष्ट्र, राजस्थान, केरला, तमिलनाडु या कर्नाटका? तो इसका आंसर होगा कर्नाटका। यानी कि हम आपको बता दें, कर्नाटका नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा कौन? कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट यूवी बैगेज सैनिटेशन एंड रैपिंग मशीन हैज इंट्रोड्यूस इन विच स्टेट रेलवे स्टेशन? पहला यूपी बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन किस राजकीय रेलवे स्टेशन में शुरू की गई है? तो पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा कर्नाटका, चौथा तेलंगाना और पांचवा तमिलनाडु। बताइएगा आंसर क्या होगा जल्दी से।
सबसे पहले तो आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और सबको बता दीजिए क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, सब लोग लाइव आ जाओ जल्दी से। रवि रेणुका गुजरात, शिवम निधि बीबी, क्वेश्चन है कि द फर्स्ट यूबी बैगेज सैनिटेशन एंड रैपिंग मशीन हैज इंट्रोड्यूस इन विच स्टेट रेलवे स्टेशन। पहला यूबी बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन किस राजकीय रेलवे स्टेशन में शुरू की गई है? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तेलंगाना या तमिलनाडु? गुड इवनिंग पोकाउंटास जी, गुजरात, बहुत बढ़िया, इसका आंसर है गुजरात। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, अपने सारे दोस्तों को बता दीजिए, सब लोग लाइव आ जाए जल्दी से। गुजरात में अहमदाबाद रेलवे डिवीजन ने अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन को सफलतापूर्वक पेश किया है, यानी कि अब आप बैग ले जाएंगे अपने आप रैप हो जाएगा और सैनिटाइज हो जाएगा। नेक्स्ट, द एनीवेयर स्कूल पहल किस कंपनी द्वारा शुरू की गई है? द एनीवेयर स्कूल इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच कंपनी? टाटा ग्रुप, रिलायंस इन रिलायंस क्या इंडस्ट्री, या माइक्रोसॉफ्ट, या फिर गूगल या एप्पल, जल्दी से बताइएगा। द एनीवेयर स्कूल इनिशिएटिव बाय हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच कंपनी? इसका आंसर होगा एप्पल, यानी कि लाखों छात्रों को होम टेक की दिग्गज कंपनी से महामारी से प्रेरित सीखने के लिए मदद करने के लिए गूगल ने द एनीवेयर स्कूल नामक एक नई पहल की शुरुआत की है। द एनीवेयर स्कूल 50+ गूगल एजुकेशन अपडेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब किसने जीता? हु हैज वन द वोमेन ब्रिटिश ओपन 2020 टाइटल, बताइएगा क्वेश्चन का आंसर। महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब किसने जीता? हु हैज वन द वोमेन्स ब्रिटिश ओपन 2020 टाइटल। सबसे पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए कि मैक्सिमम लोग लाइव आ सके, अभी तक सब लाइव नहीं आए। दुर्गेश कुमार झा ए नंबर, शिवम निधि ई नंबर, इसका आंसर हम आपको बता दें क्या होगा, सोफिया पॉपोव। यानी कि कहने का मैंने कि चैंपियनशिप विश्व की 304 नंबर की सोफिया पॉपोव ने थिरापा सुवानापुरा से 2 स्ट्रोक से जीती है, यह उसकी पहली बड़ी टूर्नामेंट जीत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल लॉकडाउन ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म ने अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? विच फिल्म वॉन द इंटरनेशनल अवार्ड्स एट बंगाल लॉकडाउन ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल, बताइएगा आंसर। दुर्गेश कुमार झा ए नंबर, शिवम निधि ए, पोकाहोंटास, निमेश जी बी नंबर, अदिति हर्ष डी, शिवम निधि बी बी। तो क्वेश्चन है कि विच फिल्म हैज वॉन द इंटरनेशनल अवार्ड एट बंगाल लॉकडाउन ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल? बंगाल लॉकडाउन ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म ने अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? इसका आंसर है अभिलाष। यानी हम आपको बता दें कि COVID-19 लॉकडाउन के दौरान जागरूकता का संदेश भेजने वाले अभिलाष नामक एक लॉकडाउन पर आधारित एक लघु फिल्म को सर्वश्रेष्ठ सामाजिक संदेश फिल्म श्रेणी में बंगाल लॉकडाउन ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल में एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक हु पेंटेड माई लस्ट रेड, यानी कि हु पेंटेड माई लस्ट रेड पुस्तक किसने लिखी है? हर्ष शाह, या प्रदीप छिब्बर, या सलमान रुश्दी, या फिर श्री अय्यर, या फिर डॉक्टर अशोक कुमार वैद्य। अदिति हर्ष डी डी, शिवम निधि बी, रवि रेणुका ई, पोकाउंटा, निवेश जी श्री अय्यर। तो क्वेश्चन है कि हु पेंटेड माय लस्ट रेड पुस्तक किसने लिखी है? तो हम आपको बता दें कि इसका आंसर होगा श्री अय्यर, यानी कि श्री अय्यर के द्वारा ये बुक लिखी गई है, हु पेंटेड माय लस्ट रेड, हु पेंटेड माय लस्ट रेड पुस्तक किसने लिखी है, तो हम आपको बता दें कि इसका आंसर होगा श्री अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक दिल्ली राइज 2020 द अनटोल्ड स्टोरी, दिल्ली दंगा 2020 द अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक किसने लिखी है? पहला ऑप्शन है मोनिका अरोरा, दूसरा ऑप्शन है प्रेरणा मल्होत्रा, तीसरा ऑप्शन है सोनाली चितलकर, और पांचवा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन है श्री अय्यर, और पांचवा ऑल एक्सेप्ट ऑप्शन डी।
तो क्वेश्चन है द बुक द रोट हु रोट द बुक दिल्ली राइट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी। इसका आंसर होगा ऑल एक्सेप्ट ऑप्शन डी, यानी कि डी को छोड़ करके बाकी इन तीनों लोगों ने लिखा है। ठीक, यहाँ का आपको नाम दिख रहा होगा सोनाली चितलकर प्रेरणा मल्होत्रा, दिल्ली राइट्स 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ प्रमुख का कार्यालय किस समय के लिए बढ़ाया गया, यानी डीआरडीओ चीफ टेन्योर कार्यकाल है हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर व्हाट टाइम। डीआरडीओ प्रमुख का कार्यकाल किस समय के लिए बढ़ाया गया, द डीआरडीओ चीफ टेन्योर हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर व्हाट टाइम, 6 month, 9 month, 1 year, 2 year, 5 year। पोकाउंटास निमेश जी ई नंबर, अदिति हर्ष डी, पोकाउंटास निमेश जी 2 year, पोकाउंटास निमेश जी 2 year, शिवम निधि डी, पोकाउंटास निमेश जी डी डी डी। तो क्वेश्चन है द डीआरडीओ चीफ टेन्योर हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर व्हाट टाइम, द डीआरडीओ प्रमुख का कार्यकाल किस समय के लिए बढ़ाया गया है। तो मैं आपको बता दें इसका आंसर होगा 2 year, यानी कि कार्मिक मंत्रालय पर्सनल डिपार्टमेंट जिसको कहते हैं द्वारा जारी एक आदेश में श्री सतीश रेड्डी को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में 2 साल का विस्तार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर ऐप फॉर डिजिटल सर्विस, सुपर ऐप फॉर डिजिटल सर्विस हैज बीन लॉन्च्ड बाय होम, यानी कि डिजिटल सेवा के लिए सुपर ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। पहला ऑप्शन है जियो, दूसरा ऑप्शन है टाटा ग्रुप, तीसरा ऑप्शन है पतंजलि, चौथा ऑप्शन है विप्रो और पांचवा ऑप्शन है इन्फोसिस। बताइएगा आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है डिजिटल सेवा के लिए सुपर ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, जियो या टाटा ग्रुप, पतंजलि, विप्रो या इन्फोसिस। वो कौन टास निमेश जी ई, शिवम निधि बी। तो इसका आंसर होगा टाटा ग्रुप, यानी कि हम आपको बता दें कि टाटा डिजिटल भारत का सबसे पुराना समूह है जो टाटा समूह के तकनीक क्षेत्र में अग्रणी है। ये एकीकृत सुपर ऐप लॉन्च करने के लिए तैयार है जो कंपनी के उपभोक्ताओं का एक ही मंच पर संयोजित करेगा। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ए पॉलिसी टू प्रमोट बायोफ्लॉग टेक्नोलॉजी, यानी किस राज्य सरकार ने जैव ईंधन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए एक नीति शुरू किया है, महाराष्ट्र, राजस्थान, आसाम, तमिलनाडु या ओडिशा। क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने बायोफ्लॉग टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए एक नीति शुरू किया है, महाराष्ट्र, राजस्थान, आसाम, तमिलनाडु और ओडिशा। इसका आंसर क्या होगा, ओडिशा। यानी कि हम आपको बता दें कि महामारी की अवधि के दौरान लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए ओडिशा सरकार ने मत्स्य पालन में जैव ईंधन तकनीक के माध्यम से गहन एक्वा कल्चर को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट टॉप्ड इन प्रोवाइडिंग लोन टू वुमेन अंडर द मुद्रा स्कीम, मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण प्रदान करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, विच स्टेट टॉप्ड इन प्रोवाइडिंग टू लोन टू वुमेन अंडर मुद्रा स्कीम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विच स्टेट टॉप्ड इन प्रोवाइडिंग लोन टू वुमेन अंडर द मुद्रा स्कीम, मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण प्रदान करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, महाराष्ट्र, राजस्थान, केरला, तमिलनाडु या कर्नाटका। बहुत बढ़िया, तमिलनाडु, पोकाउंटासी, ओडिशा, बट नॉट श्योर, तमिलनाडु, डी नंबर। इसका आंसर होगा तमिलनाडु, यानी कि हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में महिलाओं द्वारा दिए गए ऋण का लाभ उठाने में तमिलनाडु के साथ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत बाद से 4.78 लाख करोड़ रुपए से अधिक 15 करोड़ रुपए की राशि महिला उधारकर्ता को दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 तरह का लोन मिलता है, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु में क्या होगा, 50,000 तक मिलेगा, 50,000 से 5 लाख तक में किशोर, और तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक में मिलता है। किसके लिए, मुद्रा स्कीम, जिसको माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंड ग्रैबिंग प्रोहिबिटेशन एक्ट विल बी इंप्लीमेंटेड इन विच स्टेट, भूमि हथियाना निषेध अधिनियम किस राज्य में लागू किया जाएगा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तेलंगाना या तमिलनाडु। लैंड ग्रैबिंग प्रोहिबिटेशन एक्ट विल बी इंप्लीमेंटेड इन विच स्टेट,
क्वेश्चन है, लैंड ग्रैबिंग प्रोहिबिटेशन एक्ट विल बी इंप्लीमेंटेड इन विच स्टेट, भूमि हथियाना निषेध अधिनियम किस राज्य में लागू किया जाएगा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तेलंगाना या तमिलनाडु। इसका आंसर क्या होगा तो हम आपको बता दें, गुजरात। यानी कि गुजरात सरकार ने राज्य में भूमि हथियाने की गतिविधि पर अंकुश लगाने के लिए 14 साल की जेल की अवधि के प्रावधान के साथ एक सख्त कानून लाने का फैसला किया है। राज्य मंत्रिमंडल की एक बैठक में कड़े प्रावधानों में एक नया नियम बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच कॉन्टिनेंट इज नाउ फ्री फ्रॉम पोलियो अकॉर्डिंग टू WHO। हाल ही में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार कौन सा महाद्वीप अब पोलियो से मुक्त है, अंटार्कटिका या यूरोप, एशिया, अफ्रीका या नॉर्थ अमेरिका। क्वेश्चन, रिसेंटली वो कॉन्टिनेंट इज नाउ फ्री फ्रॉम पोलियो अकॉर्डिंग टू WHO। हाल ही में WHO के अनुसार कौन सा महाद्वीप अब पोलियो से मुक्त है, अंटार्कटिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका या नॉर्थ अमेरिका। शिवम निधि डी नंबर, अदिति हर्ष डी, गौतम नायक जी अफ्रीका, शिवम निधि अफ्रीका, पोकाउंटास निवेश जी डी, पोकाउंटास निवेश जी डी, अनुराधा ठाकुर जी डी। हम आप सबको बता दें कि आज मेरा जो सेशन आने वाला है यूट्यूब पर, लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम, रात के 9 बजे से 12 बजे तक का एक सेशन है। रात के 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक का मैराथन सेशन होगा, जिसमें कि हम अगस्त, जून और जुलाई तीनों महीने के करंट अफेयर्स को रिवाइज करवाएंगे महीने की समाप्ति के दिन। मतलब आज जो है 30 तारीख है, तो आज हम तीनों दिन में मैंने एक सेशन लाया था मैराथन का लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम पे, और अभी एक सेशन आएगा ठीक आधे घंटे के बाद, एक सेशन आएगा मेरा लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम पे। तो क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कॉन्टिनेंट इज नाउ फ्री फ्रॉम पोलियो अकॉर्डिंग टू WHO। हाल ही में WHO के अनुसार कौन सा महाद्वीप अब पोलियो से मुक्त है, अंटार्कटिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका या नॉर्थ अमेरिका। Recently, which continent is now free from polio according to WHO? हाल ही में WHO के अनुसार कौन सा महाद्वीप अब पोलियो से मुक्त है, बताइएगा। तो इसका आंसर होगा अफ्रीका। यानी कि हम आपको बता दें कि स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि WHO के अफ्रीका क्षेत्र में 47 देशों ने इस बीमारी को मिटा दिया है। एक ऐतिहासिक सार्वजनिक स्वास्थ्य उपलब्धि में स्वास्थ्य अधिकारियों ने मंगलवार को 25 अगस्त को दशकों के प्रयासों के बाद पोलियो वायरस से मुक्त कर दिया गया है। किसको? तो अफ्रीका, जो कि सबसे ज्यादा पोलियो यहीं पर प्रॉब्लम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज इनॉग्रेटेड इंडियन पवेलियन एट आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम। यानी किस देश ने आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया, रशिया, इसराइल, यूएसए, जापान या यूएई। पोकाउंटास निवेश जी डी नंबर, अनुराधा ठाकुर डी, रवि रेणुका डी, अदिति हर्ष ए। तो आपको बता देते हैं ठीक आधे घंटे बाद 9 बजे मेरा एक सेशन आने वाला है लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम पे आज, जो रात के 12 बजे तक चलेगा। 3 घंटे का ये सेशन है, इसे जरूर आप अटेंड करिएगा। ठीक, 9 बजे से 12 बजे तक का सेशन, जिसमें कि हम लोग अगस्त, जुलाई और जून तीनों महीने करंट अफेयर्स कवर करेंगे। क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज इनॉग्रेटेड इंडियन पवेलियन एट आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम। किस देश ने आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया? तो आपको बता दें इसका आंसर क्या होगा, रशिया। यानी कि 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन सचिव रक्षा उत्पादन राजकुमार ने मॉस्को के बाहर भारतीय दूतावास में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वॉन द गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप हेल्ड इन लंदन। लंदन में आयोजित मानसिक गणना विश्व कप में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? पहला ऑप्शन है सूर्य शेखर गांगुली, दूसरा ऑप्शन है नीलकंठ भानुप्रकाश, तीसरा ऑप्शन है पेंटाला हरिकृष्णा, चौथा ऑप्शन है विदित गुजराती और पांचवा ऑप्शन है कृष्णन शशिकिरण। तो क्वेश्चन है, हु हैज वन द गोल्ड मेडल फॉर इंडिया
इन मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप हेल्ड इन लंदन। लंदन में आयोजित मानसिक गणना विश्व कप में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? पोकाहोंटास जी, नील, अनुराधा ठाकुर, नीलकंठ। आपको बता दें इसका आंसर होगा नीलकंठ भानु प्रकाश, जो कि मैंने फिगर भी आपको दिखाया था कि हैदराबाद के 20 वर्षीय नीलकंठ भानु प्रकाश ने हाल ही में लंदन में आयोजित माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड में मानसिक गणना विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए ओलंपियाड जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलोमी घटक हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट, सी इज रिलेटेड टू विच स्टेट? पलोमी घटक ने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, वो किस खेल से संबंधित है? टेनिस या बैडमिंटन या फिर क्रिकेट या हॉकी या टेबल टेनिस। क्वेश्चन है, पलोमी घटक हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट, सी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? इसका आंसर होगा, मैं आपको बता दे, टेबल टेनिस, यानी कि भारतीय टेबल टेनिस स्टार पलोमी घटक ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की। उन्होंने 2006 और कॉमनवेल्थ गेम में 2000 और 2008 के बीच भारत के को पदक दिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द फर्स्ट फास्ट बॉलर टू टेक 600 टेस्ट विकेट, यानी 600 विकेट टेस्ट विकेट लेने वाला पहला तेज गेंदबाज कौन बना है? चैरिस वॉकेस या जोफ्रा आर्चर या स्टुअर्ट ब्रॉड, जेम्स एंडरसन या डेल स्टैन। 600 टेस्ट विकेट लेने वाला पहला तेज गेंदबाज कौन बना है? हु हैज बिकम द फर्स्ट फास्ट बॉलर टू टेक 600 टेस्ट विकेट? तो इसका आंसर होगा जेम्स एंडरसन, यानी कि जेम्स एंडरसन, जो आपको फिगर से भी पता होगा, मैंने एक सेशन में बताया भी था, 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने हैं एंडरसन। टेस्ट क्रिकेट में अब तक चौथे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई म्यूचुअल फंड? एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है अश्विनी भाटिया, दूसरा ऑप्शन है बिलिंद बारबे, तीसरा ऑप्शन है विनय एम तुंस और निमेश शाह और सुनील मेहता। एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गौतम नायक जी, ए भाटिया, विवेक। गुड इवनिंग विवेक, विवेक 9 बजे वाला सेशन जरूर अटेंड करना। पोकाहोंटास निमेश जी भाटिया, विवेक, अश्विनी। इसका आंसर होगा विवेक, विनय एम टॉन्स, यानी कि एसबीआई फंड प्रबंधन ने अश्विनी भाटिया की जगह विनय एम टॉन्स को एमडी और सीईओ नियुक्त किया है, जो भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई में प्रबंध निदेशक के रूप में लौटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक बिकेम द फर्स्ट बैंक टू यूज सैटेलाइट डेटा, उपग्रह डेटा का उपयोग करने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या आईडीबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या एचडीएफसी बैंक। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, विच बैंक बिकम द फर्स्ट बैंक टू यूज सैटेलाइट डेटा, उपग्रह डेटा का उपयोग करने वाला पहला बैंक कौन सा है? एसबीआई, पीएनबी, आईडीबीआई, आईसीआईसीआई या एचडीएफसी बैंक। पहला आंसर पोकाहोंटास निमेश जी, आईसीआईसीआई। पोकाहोंटास निमेश, आईसीआईसीआई, विवेक, आईसीआईसीआई। तो आपको बता दें इसका आंसर होगा आईसीआईसीआई। आईसीआईसीआई देश का पहला ऋणदाता है जो कुछ वैश्विक स्तर पर उपग्रह डेटा का उपयोग करने के लिए भूमि, सिंचाई और फसल पैटर्न से संबंधित मापदंडों की एक सारणी को मापने के लिए किसानों के लिए उधार निर्णय के योजना का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुमेन्स इक्वालिटी डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे, महिला समानता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 24 अगस्त, 25 अगस्त, 26 अगस्त, 27 अगस्त और 28 अगस्त। क्वेश्चन है कि वुमेन्स इक्वालिटी डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे, महिला समानता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मैं आपको बता दें कि इसका आंसर होगा 26 अगस्त, यानी कि 19वें संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में संशोधन को अपनाया गया था। इस दिन 1920 में महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया था। तो अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया तो आप क्वेस्ट पे जाइएगा, अनअकैडमी क्वेस्ट। चैनल को जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिएगा और अच्छा से कमेंट कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइए। और हम आपको बता देते हैं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करते ही जैसे ही आप जाएंगे मैनेज गोल में, तो मैनेज गोल में जाकर के आप सिलेक्ट करेंगे बैंक, एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, पीसीएस, इवन बीए, टीटी, सीटीटी, एनआई, एनआई, एन नीट का एग्जाम हो, आईआईटी हो, एनआईटी, कुछ भी हो,
हर एक एग्जाम, हर एक कैटेगरी अवेलेबल है अनअकैडमी लर्निंग ऐप, और हर जगह मेरा कोड एप्लीकेबल होगा। जैसे आप सब्सक्रिप्शन के लिए जाएंगे, मेरा कोड यूज करेंगे, आपको 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। जहां तक कि बैंक की बात करें, तो जो 2 ईयर का फी रखा गया है वो है टोटल 7200, और जो 1 ईयर का फी है वो है 6000। लेकिन जैसे आप मेरा रेफरल कोड RPK10 यूज करेंगे, तो 2 ईयर के लिए फी लगेगा मात्र 6480 रुपया, और 1 सालों के लिए 5400। तो मेरा रेफरल कोड जरूर याद रखिएगा RPK10, जो कि हम आपको बता दें कि हर तरह के सब्सक्रिप्शन पर एप्लीकेबल है, चाहे वो बैंक हो, SSC हो, BPSC हो, UPSC हो, रेलवे हो, स्टेट PCS हो, BCS हो। तो हर एक एग्जाम आपके जितने मित्र बंधु भाई सखा जन है सबको बताइए, आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ाई करें। वो प्लस के लेक्चर भी देख सकते हैं। जैसे कि कुछ लोगों के दिमाग में रहता है कि अगर मेरा कोड आप यूज करेंगे तो सिर्फ आप GA पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप बैंक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस सब पढ़ सकते हैं, और हर एक क्लासेस देखेंगे। यूट्यूब तो है ही, स्पेशल भी है, प्लस के लेक्चर भी है, लाइव टेस्ट है, क्विजेस है, स्पीड टेस्ट है, हर चीजें आपको मिल जाएगा कहाँ, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। तो मेरा कोड जरूर याद रखिएगा RPK10, RPK10। इस कोड को यूज करके आप सब्सक्रिप्शन लीजिए, 10% का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। तो मिलते हैं ठीक आधे घंटे के बाद 9 बजे, 9 बजे से 12 बजे तक का सेशन है, 3 घंटे का सेशन है, जिसमें कि हम लोग पूरा अगस्त, जुलाई और जून तीनों मंथ के करंट अफेयर्स को देखेंगे। आज जो दिन का मैराथन था, जिसमें कि अगस्त महीने के मैक्सिमम करंट अफेयर्स हो गए, कुछ क्वेश्चन बचे हुए बस, और जून और जुलाई जिसको कि हम लोग कवर कर लेंगे आज से कल तक। थैंक यू, अपने सारे दोस्तों को बता दीजिएगा, आधे घंटे के बाद सब लोग लाइव आ जाएं, लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम पे। थैंक यू सो मच।